दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर चुनाव है, चुनाव का मतलब मेला, यानी कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव का मेला है और इस मेले के अंदर अपनी भागीदारी करने के लिए, मेले में हिस्सा लेने के लिए तमाम लोग, चाहे वो राजनीतिक दल हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता हैं, चाहे चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं, चाहे मतदाता हैं, सभी लोग चुनाव के इस मेले में अपनी भागीदारी करने की पूरी तैयारी में हैं। जहां राजनीतिक दलों के लिए सबसे मुख्य ये है कि उनके प्रत्याशियों का चयन कैसे हो, अगर कहीं गठबंधन होना है तो फिर गठबंधन किस प्रकार से किए जाएं, कौन से इलाके में, कौन से क्षेत्र में, कौन से नेता को, यानी कि जाति और धर्म और इस सब के आधार पर किसको कैंडिडेट बनाया जाए कि चंडीगढ़ की बस आराम से मिल जाए। दरअसल राजनेता, चाहे पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कितनी ही बात करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कहती हो कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि वो जाति धर्म की बात नहीं करते, चाहे वो कांग्रेस के लोग कहते हो कि कांग्रेस का हाथ सबके साथ, लेकिन हाथ हो चाहे साथ हो, वो वहीं होता है जिससे कि अपनी दाल गल जाए। यानी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जाति धर्म क्षेत्रवाद इस सब के आधार पर अपने प्रत्याशी तय करती हैं और कुछ इन्हीं आधार पर तय हुआ करते हैं गठबंधन भी, और उन गठबंधनों में सीटें भी तय होती हैं कुछ इसी आधार पर ही। हरियाणा के अंदर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी है जिसकी कि 10 साल से सत्ता है, जिसे बचाने के लिए यानी कि हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसकी कि 10 साल से हरियाणा में सत्ता नहीं है, कांग्रेस की चुनौती है कि कैसे वापस 10 साल का सूखा ख़त्म करें, तीसरी तरफ अभय सिंह चौटाला हैं बिल्लू बादशाह, इंडियन नेशनल लोकदल वाले, उन्होंने बहन जी के साथ, मायावती जी के साथ समझौता कर लिया ताकि हाथी मस्त मस्त चाल चल करके भी चंडीगढ़ तक उनको पहुंचा दे, मेन स्ट्रीम में नहीं तो कम से कम सहयोगी स्ट्रीम में हो जाएं, यानी कि अगर सरकार अपने बूते ना बने तो कहीं किंग मेकर बन जाएं जैसे पहले भतीजा बन गया। अब जब भतीजे राजा को पता चल गया कि चचा मिल गए हैं बीएसपी के साथ, सबको ही पता चल गया, सबने देख लिया कि बीएसपी और इनेलो का अलायंस हो चुका है, 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल लड़ेगी, 37 सीटों पर हाथी चलेगा, तो यानी कि 90 सीटों पे उनकी जो मांडवाली है वो हो गई सारी। अब बात चलती है कि जननायक जनता पार्टी भी क्या किसी गठबंधन में आ सकती है। राजनीति के अंदर दोस्तों मैं कई बार आपसे कहा करता हूँ, सब कुछ स्थायी नहीं होता, सब कुछ परिवर्तनशील होता है तो जीवन में ही परिवर्तनशील, कि आपके जीवन में कब कौन सा कहाँ कैसा क्या बदलाव आएगा ये किसी को पता नहीं होता, और कब कौन से गठबंधन बन बिगड़ जाते हैं, क्योंकि यही गठबंधन 2019 के चुनाव के लिए भी था। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन, जो पॉलिटिकल घटनाओं में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ज़रूर पता होगा कि 2019 के चुनाव से पहले भी यही गठबंधन हुआ था, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का। उस दौरान इनेलो पार्टी एक ही हुआ करती थी, अलग से जो उनकी अलग एक शाखा बन गई या उनसे अलग होकर के, परिवार से अलग होकर के जो दुष्यंत चौटाला साहब ने अपनी पार्टी बनाई, उस पार्टी के बनने से पहले ये अलायंस पहले भी था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में कम से कम और जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं होता। अब बात ये चल पड़ी है कि इनेलो और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका है, तो हरियाणा में नए गठबंधन की उम्मीद कौन सी है। मैं आपको बताता चलूं कि हरियाणा के अंदर एक गठबंधन की चर्चाएं लगातार कई दिनों से हैं, बीच में चर्चाएं मध्यम पड़ गई थी, अब पिछले 2-3 दिन से ये चर्चाएं फिर तेज हैं। चर्चा ये है कि क्या हरियाणा के अंदर एक और नया गठबंधन आकार ले रहा है। चर्चा ये है कि हरियाणा के अंदर एक चौथे गठबंधन की, यानी कि 3 मोर्चे तो बन चुके, एक मोर्चा भाजपा का, एक कांग्रेस का और एक बन चुका इनेलो बसपा गठबंधन का, तो क्या अब चौथे मोर्चे की कोई गुंजाइश है। तो राजनीतिक लोग ये मान रहे हैं, सियासी घटनाओं पर अपनी नज़र रखने वाले लोग ये मान रहे हैं कि हरियाणा में एक गठबंधन और हो सकता है और उसकी रूपरेखा बन रही है। ये गठबंधन हो सकता है जननायक जनता पार्टी, यानी कि ताऊ देवीलाल के पोते वही दुष्यंत चौटाला की पार्टी, और दूसरा इसके अंदर गठबंधन के जो भागीदार हो सकते हैं वो हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, और तीसरी पार्टी इसमें और आ सकती है, एक वो तीसरी पार्टी है आजाद समाज पार्टी। बाबू काशीराम के नाम से अपनी पार्टी बनाने वाले जो बड़े दलित नेता हैं, आजकल नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद,
जो पहले चंद्रशेखर रावण के नाम से जाने जाते थे, आजकल चंद्रशेखर आजाद के नाम से उनका नाम चलता है, वो भी इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि सियासत के अंदर इतिहास के हिसाब से भविष्य का निर्माण होता है। अगर ये गठबंधन होता है तो गठबंधन कितना प्रभावी होगा, राजनीतिक लोग इस पर चर्चा भी साथ साथ करने चले गए हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में गठबंधन था, और वो गठबंधन था जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का। 7 लोकसभा की सीटों पर चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी उतरी थी, 3 लोकसभा की सीटों पर दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी उतरी थी। खुद दुष्यंत चौटाला हिसार से कैंडिडेट हुए थे लोकसभा के, और इसके साथ में दिग्विजय चौटाला जो उनके छोटे भाई हैं वो कैंडिडेट हुए थे सोनीपत से। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, आम आदमी पार्टी के पंडित नवीन जय हिंद कैंडिडेट हुए थे फरीदाबाद से, और तमाम उनके 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी। उन 10 लोकसभा सीटों में से मात्र हिसार की लोकसभा सीट ऐसी थी कि जिस पर दुष्यंत चौटाला दूसरे स्थान पर रहे थे, और बाकी सीटों पर जो दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़े थे सोनीपत से, वो लगभग 50-52 हज़ार वोट लेकर के रह गए थे, वो तीसरे स्थान पर आए थे। बताते हैं कि हुड्डा साहब का खेल बिगाड़ दिया था उस चुनाव में दिग्विजय चौटाला ने। और जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, एक भी कैंडिडेट की जमानत नहीं बची थी। जमानत बचना तो बड़ी दूर की बात है, एक भी कैंडिडेट सम्मानजनक वोट नहीं ले पाया था। कहीं 10 हज़ार, कहीं 12 हज़ार, कहीं 14 हज़ार, कहीं 20 हज़ार ये वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को। अब बात अगर कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी की, तो आज़ाद समाज पार्टी का हरियाणा के अंदर अस्तित्व तो है। पहले जो भीम आर्मी जो उनकी चलती है, जो उनका गैर राजनीतिक संगठन रहा है भीम आर्मी के नाम से चंद्रशेखर आज़ाद का, उस भीम आर्मी की हरियाणा के कई जिलों में उनका संगठनात्मक ढांचा जो है, उनकी टीम तैयार है। जो दलित युवा हैं उनके अंदर चंद्रशेखर आज़ाद का क्रेज भी बहुत ज़्यादा है। जो दलित युवा हैं और अग्रेसिव राजनीति या अग्रेसिव बात करने वाले लोग हैं, जिनको दमन वमन ये सब बातें पसंद बिल्कुल नहीं आती, उनके अंदर भी चंद्रशेखर आज़ाद का जलवा है। लेकिन विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हरियाणा में कम से कम वो पहली बार मैदान में होंगे। अब अगर ये तीनों पार्टियां मिलती हैं तो क्या होगा? एक तरफ दुष्यंत चौटाला, जिनको माना जा सकता है रूरल बेस्ड पार्टी है, ग्रामीण बेस्ड पार्टी है, क्योंकि चौधरी देवीलाल का नाम उनके साथ जुड़ा है। भले ही किसान और जाट समाज में उनके लिए नाराज़गी है, लेकिन फिर भी माना जाएगा वो पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी रूरल बेस्ड पार्टी है, गाँवों की पार्टी है। अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ते हुए सुशील गुप्ता दूसरे स्थान पर रहे, ये उनकी अचीवमेंट थी इस चुनाव के अंदर। लगभग 25-26 हज़ार वोट से हारे और 3 विधानसभा सीटों पर जीते भी। और अगर बात कर लेते हैं फिर उनका जो आम आदमी पार्टी का जो है, बताते चले आपको कि उनका शहरों में ज़्यादा असर है, और शहरों के साथ साथ जो स्लम एरियाज हैं उनके अंदर भी आपको अरविंद केजरीवाल के फोटो और झाड़ू वाले झंडे शंडे आपको दिख जाएंगे। तीसरी पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी है, उसका मैंने आपको बताया कि उसका दलितों और SC समाज के अंदर उनका अच्छा दखल है। अगर ये तीनों गठबंधन पार्टी करती हैं, चर्चाएं कुछ ये भी हैं कि इनमें बात चल रही है, फाइनल स्टेज पर बात पहुंच सकती है, और 30-30 विधानसभा सीटें आपस में बांट सकते हैं। अगर ये गठबंधन होता है तो देहात प्लस शहरी और स्लम प्लस दलित, तो ये गठबंधन कैसा रहेगा? आपकी राय में आप हमें ज़रूर बताएं, और हम इसी प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।